लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद असफलता हाथ लग रही है, माइंडसेट बार बार बिगड़ जाता है, विल पावर बार बार कम हो जाती है, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किस चीज के लिए बनाऊं। तो परेशान मत होइए, आज का ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए, मैं आपके लिए इतनी सारी वैल्यू लेकर के आया हूं, लेकिन सिर्फ मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, बिना डिस्ट्रैक्शन के आपके जीवन का कीमती एक घंटा। जी हां, ये सेशन पूरा एक घंटा चलने वाला है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कुछ ऐसी वैल्यू देने वाला हूं कि आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपका माइंडसेट आपके गोल के लिए वापस से रीसेट हो जाएगा, आपकी विल पावर आपके गोल के लिए वापस से रीसेट हो जाएगी, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप फील करेंगे कि यार मजा आ गया और अब लाइफ में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, कुछ बड़ा काम करके दिखाना है। लेकिन प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे, प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को आप स्किप कर करके नहीं देखेंगे, और प्रॉमिस करिए कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया, मुझे मालूम है कुछ लोग बीच में छोड़ करके चले जाएंगे, मुझे ये भी मालूम है कुछ लोग स्किप करके भी देखेंगे, मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैंने कह दिया तो लोग मेरी प्रोफाइल भी चेक करेंगे कि ये कौन है बंदा, क्यों बोल रहा है, फिर आकर के सुनेंगे। मैं आपसे गारंटी देता हूं जितने भी लोग आखिरी तक इस सेशन को, इस वीडियो को देखेंगे, उनके पास एक माइंड मैप होगा, एक रोड मैप होगा अपने गोल में आगे बढ़ने के लिए, उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज होगी कि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। देखो दोस्तों, लाइफ में ना बहुत बहुत बेसिक चीज है कि पूरी जो वेल्थ है पूरी दुनिया की सिर्फ 5% लोगों के पास है, और जो 5% लोग हैं वही उन 95% लोगों को चला रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी देश में, या फिर किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, अगर आप उन 5% लोगों में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं, एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हूं, और कुछ ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेस बनाता हूं, लोगों को इंस्पायर करता हूं, उनकी आदतों पर काम करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीस्टार्ट योर लाइफ। जी हाँ, आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें दिखाऊंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा, और कुछ चीजों पर चाहूंगा कि आप डायरी और पेन लेकर के बैठें और उनको नोट डाउन करें, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है, मजा आने वाला है। स्क्रीन पर आपको एक लेडी की तस्वीर दिख रही होगी जिनका नाम है एंजेलिना डकवर्थ। ये स्कूल टीचर है दोस्तों, एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में कुछ ऐसी एक्टिविटी नोटिस करी कि उनकी उस जॉब को उन्हें छोड़ना पड़ा। जिन बच्चों का आईक्यू बहुत हाई था उनकी परफॉर्मेंस काफी लो थी, और जिन बच्चों का आईक्यू लो था यानी कि उनका टैलेंट उनमें उतना नहीं था, लेकिन कंटिन्यूसली काम करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही थी। इस बात ने उन्हें बहुत बहुत परेशान कर दिया, और उन्होंने अपने अंदर काम किया कि यार मैं ऐसा क्या करूं, कैसे निकालूं कि इस रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, और एक रिसर्च बनाई। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और उन लोगों पर रिसर्च करने लगी जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जैसे कुछ आर्मी के लोगों को देखा कि आर्मी के लोग कब तक कंटिन्यू जॉब कर पाएंगे या फिर बीच में तो नहीं छोड़ देंगे, किसके अंदर कितना आईक्यू है, कितना टैलेंट है, किसके अंदर आईक्यू नहीं है। कुछ सेल्स पर्सन पर भी इन्होंने रिसर्च करी, इन्होंने एक चीज पाई कि टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, आईक्यू होने से कुछ नहीं होता, उस पर कंटिन्यू काम करने से और सेम इंटरेस्ट के साथ तभी सफलता मिलती है, जिसे उन्होंने एक नाम दिया ग्रिट। जी हां, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ग्रिट लिखा है, इन्होंने एक किताब को लिखा है जिसका नाम है ग्रिट। और ग्रिट मैंने आपको क्यों बताया वो मैं आपसे आखिरी इस वीडियो में शेयर करूंगा, मजा आएगा आपको आज के इस वीडियो में जान करके, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। मैं आपसे पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं जिसका क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर जितनी अच्छे तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी विजन, आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी अपने गोल के प्रति। डू यू नीड टू पीविट, पीविट का मतलब होता है धुरी, क्या हमें एक ऐसी धुरी की जरूरत है। देखिए, जो पृथ्वी है अपने ही धुरी पर घूमती है और वो सन के चक्कर लगाती है, अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर ना घूमे तो क्या 24 आवर्स होंगे, नहीं होंगे। देखिए, हम सब में बहुत सारी कमियां होती हैं, हम सब में बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहां पर हम अपने आप को एग्जामिन कर पाए, जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग्स, जहां पर इंसान अपने आप को एग्जामिन करता है।
या फिर कुछ ऐसे नए डिजिटल कोचेस होते हैं जहां पर हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं, जहां पर एग्जाम्स होते हैं, जहां पर हमें पता चलता है हमारे अंदर कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है। तो खुद से एक सवाल करिए कि क्या आपको एक पीविट की जरूरत है, या फिर आपने जिस पीविट को चूज किया है, जिस धुरी को चूज किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया है, वहां पर आप खुद को एग्जामिन कर पा रहे हैं या फिर खुद को उस तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ठंडे दिमाग से खुद से निकालिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है जहां पर आपको सीखने तो मिला है लेकिन एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है आपका, आपकी अच्छाइयां आपकी बुराइयां आपको अलग अलग सिचुएशन में नहीं देख पा रहे हैं आप, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, डिजिटल कोचेस को ज्वाइन करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें जहां पर आप अपने आप पर काम कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेशर बढ़ता है तब हमारी कमियां और अच्छाइयां मालूम चलती हैं। इनका नाम टॉनी रॉबिन्स है दोस्तों। इनका बचपन कुछ खास नहीं बीता, इनके माता पिता में बनती नहीं थी, डिवोर्स हो गया और इनके फादर को ड्रिंक करने की हैबिट थी जिसकी वजह से इनका बचपन बड़े टफ कंडीशन बीता। खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था, बहुत दिक्कतें हुई। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। 17 साल के बाद इन्होंने ना जाने कितनी सारी जॉब ट्राई की, इवन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी, सेल्समैन की जॉब करी, और धीरे धीरे खुद पर काम करते करते करते, और हाँ ये कभी कॉलेज नहीं जा पाए, ये खुद पर काम करते 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 इनका एक सपना था कुछ बड़ा अचीव करना है। और आज बहुत बड़े लेवल के ट्रेनर हैं, बहुत बड़े लेवल के लीडर हैं जो बहुत ही बड़े बड़े लोगों को ट्रेनिंग और कोचिंग दे चुके हैं, जैसे नेल्सन मैंडेला जैसे लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। ही इज वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। और ये कोट कहते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, योर पास्ट डजंट इक्वल योर फ्यूचर। जी हाँ, आपका जो पास्ट है ना वो आपके फ्यूचर के बराबर नहीं हो सकता, वो बदलेगा, वो चेंज होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ आज तक कोई ऐसी चीजें नहीं घटित हुई हैं जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट दें, तो उसे भूल जाइए, क्योंकि पास्ट किसी का फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जो बच्चा 17 साल की उम्र में बेघर हो गया था, आज वो पूरी दुनिया के लोगों को ट्रेनिंग देता है और टॉप चुनिंदा लोगों में आता है, तो सोचिए कि वो कैसे फ्यूचर बदला। आपकी सोच से बदलता है, पास्ट की चीजें आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट यू नीड। क्या आप जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है कामयाब होने के लिए? जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे पता है, मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है, मुझे बुक्स की जरूरत है। मैं आपसे एग्जैक्ट बताना चाहता हूं कि आपको किन चीजों की जरूरत है कुछ आंसर्स के माध्यम से। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूरत है आपके पैशन की। अगर आपको अपना पैशन नहीं मालूम है, आप कंफ्यूज अपने पैशन को लेकर के, तो आप अलग अलग जगह ट्राई करिए, आप अपने पैशन को थोड़ा एग्जामिन करिए और देखिए कि क्या आपका वो सच में पैशन है कि नहीं है। आपकी स्किल्स की आपको जरूरत है। जब पैशन आपके एफर्ट से मिलता है तो आपकी स्किल बनती है। आपको एक पर्पस ऑफ लाइफ की जरूरत है। आपके लाइफ का पर्पस कैसा होना चाहिए, आज के इस सेशन में हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ और आंसर मैं आपको बताता हूं। मोस्ट पीपल हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे डू बेस्ट। बहुत सारे लोगों के असफल होने का रीजन ये भी होता है कि उन्हें ये ही नहीं पता होता कि वो किन कामों में अच्छे हैं, और उनके दिमाग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उन्हें जो जैसे बोलते हैं वैसे वो करने लग जाते हैं। क्या आपने अपने ऊपर काम किया? क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि आप किन कामों में अच्छे हैं और किन कामों में आपके साथ थोड़ा सा गड़बड़ चीजें होती हैं? बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए नॉलेज के थ्रू, लोगों के थ्रू, कोचेस के थ्रू, अच्छे लोगों के थ्रू, राइट? उनके पास जाइए, बैठिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं जो कि बहुत फेमस है, परीतो प्रिंसिपल। आपने बहुत बार इसे देखा होगा, बहुत बार इसे सुना होगा, बहुत बार इसे समझा होगा। मैं आपको राइट हैंड साइड में आपको बताना चाहता हूं। आप यहां पर देखिए कि एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि 20% इनपुट डालोगे तो 20% आउटपुट आएगा, 20% फिर इनपुट डालोगे तो फिर 20% आउटपुट आएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने, लेट सपोज कि मैंने एक हैबिट पर काम करना चालू किया कि मैं सुबह उठता हूं, मेरी हेल्थ एकदम से अच्छी होने लग जाएगी। आपने वॉक करना चालू किया, आपको रिजल्ट दिखा नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं जितना काम करूंगा उतना मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, जितना काम करूंगा उतना रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी क्या कहती है कि 20% काम करके 80% रिजल्ट भी गेन किया जा सकता है, और 80% काम करके भी 20% रिजल्ट आता है। ये इनिशियली लोगों के साथ जरूर होता है। जब रिजल्ट नहीं दिखते हैं ना, तो अपनी चीजों को करना बंद कर देते हैं, अपने कामों को वो नहीं करते, वो क्विट कर देते हैं,
उन्हें लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। और आजकल इतने इन्फॉर्मेशन के युग में, इन्फॉर्मेशन की युग में देखा जाए तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, बिकॉज उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती करने के लिए, लेकिन वो खुद पर काम करने के बजाय फिर वो भटकते रहते हैं, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप उन 20% काम को कैसे करें, उन 20% काम करें कैसे करें जिनसे 80% रिजल्ट आए, तो उसके लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। एक आपने कहा, एक कोट सुना होगा कि शार्पन द सॉ। जी हाँ, आपको अपनी आरी की धार को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा अपनी स्किल पर काम करके। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है यार, वापस हम इसको एक माइंडसेट के साथ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर इनिशियली आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इनिशियली आपके साथ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो लगे रहिए, छोड़िए मत, अपनी अपनी उस आरी को शार्प करते रहिए, उस शौक को शार्प करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और जब लोगों को आप देखते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके कि सिर्फ 20% काम करके भी ये बड़ा अच्छा रिजल्ट गेन कर लेते हैं, और हमें तो मिलता नहीं है, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम क्विट कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, अपने आप पर काम करना है। उन्होंने खुद पर काम किया, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग, दैट्स व्हाई दे आर इनटू दैट लेवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड यू ट्राई टू अवॉइड। देखिए, क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना यह है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स, और हम सबके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अमर है, वो कभी मरेंगे नहीं, राइट। लेकिन मिसकंसेप्शन, हम सबके एक कहते हैं वैलिडिटी पीरियड है कि इस पीरियड के बाद हम आगे एक सांस भी नहीं ले सकते, ऊपर वाले ने लिख दिया है वो तो होगा, राइट। तो हम सबके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमें क्या नहीं करना है उन पर भी तो विचार किया जाना चाहिए, उन पर भी तो बात की जानी चाहिए, जिस पर हम बात ही नहीं करते, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, रैंडम चीजें करते जाते हैं, जो सामने आता है कर लेते हैं, जो सामने आता है कर लेते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बिजनेसमैन हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जैसे जैसे उनकी उनकी खुद की प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, वो काम को करना करने के लिए कुछ कामों के लिए मना करने लग जाते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं। पहले इनिशियली क्या करते हैं, सब काम के लिए हाँ बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है किन कामों को अवॉइड करना है। मैंने खुद में नोटिस किया है, कई सारे काम ऐसे जिन कामों को हाँ बोल दिया करता था, लेकिन आज मैं ऐसा करता हूं कि मैं मना कर देता हूं कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, नहीं यार मुझे नहीं करना, राइट। यू शुड नो What you should try to avoid, right? आपको वो समझना चाहिए कैसे, let me give you some answers. Identify what you don't want to do, then do what you want. आपको वो identify करना है कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, फिर वो identify करके जो आप करना चाहते हैं उसको पूरा टाइम आपको देना है, प्रायोरिटी आपको देनी है। What work do you not enjoy? ऐसे कौन से काम है जो आप enjoy नहीं करते। देखिए, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको आप एंजॉय नहीं करते लेकिन वैल्यूज बहुत देते हैं। जैसे आज आप मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपको बीच में मन करे कि कपिल शर्मा का शो देख लूं, हो सकता है कि आपको मन करे कुछ और में जाकर के देख लूं, हो सकता है कि कोई जोक देख लूं या सॉन्ग देख लूं, लेकिन फिर भी आप इसे एंजॉय भले ना करें लेकिन आपको लर्निंग मिल रही है। लेकिन कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं, और कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बिल्कुल एंजॉय नहीं करते लेकिन हम करते रहते हैं, राइट, मजबूरी में करना पड़ता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको आप एंजॉय नहीं करते। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर्स पर काम कर सकते हो, इसे लिख सकते हो, और आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। थर्ड पॉइंट है, व्हाट रिजल्ट डोंट मैटर्स टू यू। ऐसे कितने रिजल्ट हैं जो आपके लिए मैटर नहीं करते, काम तो कर दिया लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिग्रेट हो रही है। एक दोस्त ने बोला कॉल करके, चल भाई घूमने चलते हैं, आप चले गए और घूम करके आए, लेकिन रिग्रेट हो रहा है यार, उस टाइम पे शायद मैं अपनी स्टडी कर लेता, शायद मैं कोई ब्लॉग लिख लेता, शायद मैं कोई बुक पढ़ लेता। रिग्रेट होता है। क्या रिजल्ट जो आपको मिला है, क्या आप उससे खुश हैं, क्या आपके लिए सच में मैटर करता है। अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम आपको उस काम को करने से पहले ध्यान देना है। केयरलेस अबाउट वर्क। अगर आपको पता है कि आप इन कामों में अच्छे हैं, इन कामों को करके आपको रिजल्ट मिलते हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आपके लिए स्टडीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप स्टडीज के लिए उतने केयरफुल नहीं है, आपको लगता है ठीक है हो जाएगी, बहुत टाइम है, बहुत केयरलेस एटीट्यूड होता है कई लोगों का, उस केयरलेस एटीट्यूड को रिमूव करना है, बिकॉज ये जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा रोड़ा है। मन नहीं कर रहा सर, थकान हो रही है सर आज भूख बहुत लग रही है सर, नींद बहुत आ रही है, सब बहाने हैं यार, ये सब बहाने। अगर गोल होता है ना सामने तो ये सब फालतू चीजें नहीं आती। आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलना, आप उससे पूछना सर आपका जब मन नहीं होता तो क्या करते हो,
काम को नहीं करते। क्या सर आपका जब पेट दुखता है, आपका सर दुखता है, तो आप काम पे नहीं जाते? वो बोलेगा कि काम मेरी प्रायोरिटी है, उसको मैं करता हूं, तो वो सारी चीजें मेरे से खुद रिमूव हो जाती, दूर हो जाती, राइट। तो केयरलेस एटीट्यूड नहीं चलेगा भाई, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी तक किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हटाओ। नेक्स्ट है, व्हाट यू कैन डू बेस्ट यू आर नॉट डूइंग वेल। कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों में आप बेस्ट हैं लेकिन आप अच्छा नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है? कहीं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई माइंड में लोचा तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई ऐसा कोई पास्ट की चीज तो आपको हावी नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप परेशान हो रखे। उस पर आपको काम करने की जरूरत है। बैठिए, पेपर पेन लीजिए, समझिए जिन कामों की वजह से आपको ये रोक रहा है ना, उनको लिखिए, उनको फाड़ के फेंकिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आप कहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। और इस दौर में डिजिटल इंडस्ट्री में अगर देखें, डिजिटल वर्ल्ड में, तो आपके पास मल्टीपल काम है करने के लिए। मल्टीपल काम में क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री टीचिंग्स देती हैं। कोर्सेरा पे जाइए, बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कोचेस जो हैं, आपको फ्री नॉलेज देते हैं, राइट। आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हैं, आप क्रिप्टो के बारे में जान सकते हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में जान सकते हैं, आप ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्री। यस, यू कैन लर्न फ्री। अपने उस टाइम को यूटिलाइज करिए और आप अपने आप को जानिए कि आप किन कामों में अच्छे हैं। ये बात मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाए। आपका जो टाइम है, आपको लगता है कि यार मेरे अंदर तो कोई ऐसी स्किल है नहीं, या फिर मैं किसी काम में तो बेस्ट हूं नहीं, मैं क्या करूं, तो आप लर्न कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एंजेलिना ने जो रिसर्च करी थी कि वो जिनके पास ज्यादा टैलेंट होता है जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो, और जिनके पास टैलेंट नहीं होता तो जरूरी नहीं कि वो फेल हो गए या फिर वो कुछ नहीं कर सकते। वो कंटिन्यू काम करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ यहां पर डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है तो हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, लर्न थ्रू वैल्यूएबल पेड कोर्सेस। कुछ फ्री कोर्सेस आप सीखिए, साथ ही साथ कुछ पेड कोर्सेस पर काम करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ब्रेन को आप देना क्या है, आपके ब्रेन पर काम कैसे करना है। आप डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज इंफॉर्मेशन का वर्ल्ड है, आप इंफॉर्मेशन के टाइम पे हम अपने ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। हमें सारी चीजें हमारे मोबाइल फोन पे मिलती हैं। आज मेरा ये पूरा सेशन आप मोबाइल फोन, यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, आपको घर बैठे इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले चीजें ऐसी नहीं थी। ये डिजिटल वर्ल्ड है दोस्तों। तो लर्न थ्रू वैल्यूएबल पेड कोर्सेस। पेड कोर्सेस मैंने यहां पर क्यों लिखा? पेड कोर्सेस इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप पेड कोर्स करते हैं तो एक तो आप सीरियस होते हैं उस काम को करने के लिए, दूसरा आप उस काम को ईमानदारी से करते हैं और सारा होमवर्क भी करते हैं और प्रॉपर टाइम भी देते हैं। और आपको जो पेड कोर्सेज, जो आपको कोर्स करा रहा है, वो भी अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक देता है। आप अगर मेरे बारे में देखें, मैं एक हैबिट कोच हूं, मैं हैबिट रिप्लेसमेंट कोर्स चलाता हूं। मेरा जितने भी लोगों ने पेड कोर्सेज किए हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए, उनकी हैबिट बदली है। अगर आपको भी अपनी हैबिट पर काम करना है, अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका ब्रेन आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। 5 डेज का कोर्स है, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, प्लस मैं 21 डेज का एक्स्ट्रा सपोर्ट देता हूं और 1-to-1 टॉक भी करता हूं। मेरे इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट योर राइट मेंटोर। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप किस काम में अच्छे हैं और आपको कैसे मेंटोर की जरूरत है, इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग आपको परेशान भी कर देते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस इंडस्ट्री में, इस दौर में आपको अपना एक राइट मेंटोर ढूंढना बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क है, लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा। और मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में कहा था कि आपको धुरी की जरूरत है, क्या पीविट की जरूरत है, डेफिनेटली है। ये मेंटोर आपके पीविट का काम करेगा, ये मेंटोर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको देगा जो आप अपनी लाइफ में आप देखेंगे जो 10 साल में आप अचीव कर सकते थे, वो आपके साथ यहां पर 5 साल या 3 साल में जरूर होने वाला है, डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है, एक्सपेंड डिजिटल पॉसिबिलिटीज। डिजिटल पॉसिबिलिटीज को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू होता है, तो सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस एक्सपेंड करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे आपकी प्रेजेंस एक्सपेंड करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, तो वहां पर आपकी वैल्यूज डिजिटली एक्सपेंड करना चाहिए। आपको डिजिटल चीजों को सीखना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं,
आप यूट्यूब मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ फ्यूचर। आने वाले वक्त में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जो जिनका पूरा का पूरा जो एक एक्सेस है, सबसे बड़ा एक्सेस, सोर्स ऑफ एक्सेस होगा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप इन्हें नकार नहीं सकते, आपको सीखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, आप वो सीख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे फ्री चीजें जो आप सीख सकते हैं, फ्री के साथ साथ पेड भी जाइए, पेड कोर्स करिए, पेड के साथ आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। नेक्स्ट है, फॉलो सम इंस्पायरिंग डिजिटल लीडर्स लाइक राहुल भटनागर। मैंने राहुल भटनागर का नाम इसलिए लिया बिकॉज ही इज अ ट्रू लीडर और ही इज काइंड ऑफ मेंटोर। कि आप इससे सीखेंगे ना तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या सीख रहा हूं मैं, मतलब क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऑथेंटिसिटी का इशू नहीं आएगा, वो सारी चीजें आपको मिलेगी, राइट। तो आप कुछ रियल मेंटोर को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस जाकर के चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मुझे फॉलो करना चाहिए, आपको मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, राइट। आपको एक एक वैल्यू जो है ओरिजिनल मिलेगी, आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने मिलेगी कि आप लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर कर पाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बेस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अपने लाइफ में अपने टाइम को खुद पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ आंसर्स यहां पर लिखे हैं। पहला है, लर्न थ्रू डिजिटल गुरुज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल मेंटोर आप ढूंढिए, कुछ फ्री कोर्सेज करिए, लेकिन फिर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात को कि लर्न थ्रू डिजिटल गुरुज, क्योंकि आज डिजिटल का ही जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी वर्थ बना सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू एड कर सकते हैं, तो लर्न थ्रू डिजिटल गुरुज। सेकेंड पॉइंट है, फ्री पॉडकास्ट। अगर आपके पास, कहते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे कैसे जाकर के कोर्सेज कर सकता हूं, मैं ऐसे कैसे एक मेंटोर ढूंढ सकता हूं, तो मैं कहता हूं भाई फ्री पॉडकास्ट सुनो, कुछ ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी और लाइफ में आप कुछ ऐसा बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। फ्री पॉडकास्ट आप सुनिए, ऑडियो बुक आप सुनिए, यूट्यूब वीडियोस आप देखिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, राइट। फ्री बुक्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि फ्री PDF देती हैं, और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं जिनमें पूरी बुक को समराइज करके बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, आप उनको जाकर के जरूर देखिए। नेक्स्ट है, फ्री वेबिनार्स। देखिए, आप फाइंड आउट करिए ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको फ्री में वेबिनार देते हैं, फ्री में वैल्यू देते हैं, जैसे कि आज आप इस सेशन के माध्यम से इतनी क्वालिटी, इतनी एक बहुत अच्छी प्रीसियस वैल्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप इसे बिना डिस्ट्रैक्शन के देखते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें एक अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। आप जो देख रहे हैं, जिस वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल होके रखी है, वो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप इस सेशन को एंड तक देखते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। स्क्रीन पर आपको लिखा होगा, बड़ा सा शब्द लिखा है मोमेंटम, और मिस्टर एक्स इस साइड खड़े हैं और मिस्टर वाई इस साइड खड़े हैं। आप देखेंगे बड़े ध्यान से, देखिए मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया। लाइफ हमारी सेम इसी तरीके से काम करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मिस्टर एक्स का मैं कहूं तो येलो वाला इनका ग्राफ है, मिस्टर एक्स ऐसे चले और फिर एकदम से इनका ग्राफ ऊपर गया, फिर एकदम से इनका ग्राफ नीचे आया, फिर एकदम से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एकदम से गया, फिर नीचे आया, और फिर नीचे 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 चला गया। लेकिन जो मिस्टर वाई हैं, उनकी उनकी ग्रोथ एकदम से दिखी नहीं, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे दिखी है, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप कमेंट करके यहां पर मुझे बताएंगे कि मिस्टर एक्स में और मिस्टर वाई में क्या लगता है आपको, किसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी या किसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा अच्छी दिख रही है, किसे रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, मिस्टर एक्स को कि मिस्टर वाई को, आप कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में डिफरेंस ये है कि जो येलो लाइन वाले मिस्टर एक्स हैं, उनको उनकी लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत अजीब अजीब टाइप की है। लाइफ ऐसे होती है, कुछ लोगों की सफलता हम देखते हैं कि भाई वो तो टॉप पे चला गया तो हमें लगता है हम तो यार बर्बाद हो गए। मिस्टर वाई कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपने अपने प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं, और आप जब इस ग्राफ को आगे ले जाकर के देखेंगे ना दोस्तों, तो मिस्टर वाई जो है ना बहुत आगे निकल चुके हैं और मिस्टर एक्स की लाइफ में वही उतार चढ़ाव बने हुए। तो आप किसी दूसरे की लाइफ को देख करके ये मत सोचो कि उसकी लाइफ में तो सब सफलता मिल गई और हम ऐसे ही बैठे, ऐसा नहीं है। आप धीरे 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 प्रोग्रेस करते रहिए। कुछ लोग अपनी हैबिट पर काम करते हैं, जो मैं हैबिट की ट्रेनिंग देता हूं, तो लोग कहते हैं कि सर आज तो 2 महीने हो गए सर, कुछ चेंज नहीं दिखा। लेकिन ये स्लो प्रोग्रेस जो होती है ना दोस्त, वो आगे चल के आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड और रिजल्ट देती है। इस बात पर आपको समझने की जरूरत है कि आप अपनी ग्रोथ अगर नहीं दिख रही है तो घबराइए मत, लगे रहिए लगे रहिए, आपको रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा और आप मिस्टर एक्स से कई गुना ज्यादा बेहतर कमाएंगे।
अपने ऊपर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए और करते रहिए। और आज से फिर आपको एक मन बनाना है उसको करने का। एक और सवाल, बहुत कीमती सवाल है, जिसने मैंने कई बार अपने खुद पर अप्लाई किया है, खुद कई बार दूसरों को बताया है, जिससे बहुत अच्छी वैल्यू मिली। हाउ विल यू मेजर सक्सेस? कैसे मेजर करते हैं? एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बंगला हो, एक अच्छे रेगुलर बैंक बैलेंस हो, एक अच्छी अच्छी लाइफ पार्टनर हो, अच्छे अच्छे आपके फ्रेंड्स हो, एक अच्छा परिवार हो, कैसे मेजर करेंगे आप सक्सेस? मैं आज आपको बताता हूं कि ट्रू वैल्यू, ट्रू रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। आप बड़े ध्यान से समझना, और आपके क्या व्यू पॉइंट है, क्या आपका ओपिनियन है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बताएंगे। देखिए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट विथ मोमेंटम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोमेंटम बताया, मोमेंटम के साथ चलना बहुत जरूरी है। मोमेंटम, अगर आपको लगता है दूसरों की लाइफ काफी फैशिनेटिंग है और आपकी लाइफ कम फैशिनेटिंग है, तो उस पर बिल्कुल मत जाइए। पहला पॉइंट यहां पर समझने लायक है, आपकी हेल्थ। दोस्तों, हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम पे मैंने देखा है अपने बहुत सारे दोस्तों को परेशान होते हुए, बहुत सारे दोस्तों को ये भी देखा है कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखा है मैंने जो बहुत परेशान हुए। विश्वास मानिए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हमारी हेल्थ सही कर दो, हमें ठीक कर दो। क्योंकि हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को कैसे लेते हैं? कहीं आप इग्नोर तो नहीं करते? कहीं आप अपनी डाइट को, डाइट के जो मील्स है उसे भूल तो नहीं जाते? आई नो कि हम सब बहुत बिजी हैं, और यंग में क्या होता है कि हम अपने मील्स को भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, अपनी हेल्थ को ट्रेन करना स्किप कर देते हैं। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखें, क्योंकि हेल्थ आपके मोमेंटम के साथ बहुत जरूरी है। ऐसा ऐसा ग्रोथ किसी काम का नहीं कि 10 साल या 12 साल बाद, 15 साल बाद आपकी हेल्थ में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और आप ग्रो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है योर फैमिली एंड रिलेशनशिप। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ अपने बिजनेस को काम कर रहे होते हैं तो अपनी फैमिली और रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों पर काम करते हैं। बिजनेस में नो डाउट बहुत टाइम देना पड़ता है, जॉब में बहुत टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, रिलेशनशिप साइड हो जाती है। लेकिन आपको पता है हमारी लाइफ का फ्यूल क्या है? हमारी लाइफ का फ्यूल हमारे रिलेशन है, हमारी फैमिली है। अगर हमारी फैमिली और हमारे रिलेशन अगर अच्छे नहीं है तो हम अपनी गाड़ी को ज़्यादा दिनों तक नहीं चला पाते। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खराब होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप प्रॉपर टाइम दीजिए अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, आप, क्योंकि वो आपको चार्ज अप करेगी। आप इसे मत भूलिए। यंग टाइम में हम बहुत बहुत इग्नोर करते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, वो बिगड़ता है। नेक्स्ट है वेयर एम आई नाउ। देखिए, आप आज कहाँ हैं, आपको वहीं प्रेजेंट में अपने आप को देखना है। आप ये देखना है कि आप अपनी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप पास्ट एक साल पहले कहाँ थे, आपने किन चीज़ों को लर्न किया, और नेक्स्ट एक साल में कहाँ जाने वाले हैं, वो आपको अपना आइडेंटिफाई करना है। या 6 महीने में, या 3 महीने में, या 2 साल में, जो भी आपकी ग्रोथ चार्ट है, जो भी आपने एक अपना गोल सेट किया हुआ है, देखना है, ध्यान देना है। और पास्ट से आपको परेशान नहीं होना है कि आप वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, आपसे वो हो सकता था लेकिन आप नहीं कर पाए। उनसे लर्न करना है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी, उनको नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करना है। वेयर एम आई नाउ, मैं अभी कहां हूं, इस बात पर ध्यान देना है, समझना है। नेक्स्ट है व्हाट डू आई वांट टू बी। ये बार बार अपने आप से पूछिए, मैं क्या करना चाहता हूं। अपने गोल को अपने सामने रखिए, अपने विजन को अपने सामने रखिए। कई बार हम चीजों को करते करते ना अपने गोल को भूल जाते हैं, अपनी ट्रू हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, अपने ट्रू विजन को भूल जाते हैं। उसे भी ध्यान में रखिए, पूछिए अपने आप से। जब भी आपको 3 या 4 दिन में मौका मिले, कहीं ट्रिप पे जाइए, शांति से बैठिए, कहीं पानी के सामने बैठिए, शांति से बैठ करके देखिए, कहीं ग्रीन प्लेस पे जाइए, शांति से बैठ के देखिए कि वेयर, व्हाट डू आई वांट टू डू, राइट, मैं क्या बनना चाहता हूं, What do I want to be, right? Next है measure your progress and promises। अपने progress को और promises को measure करते रहिए, कहीं आप कुछ चीज़ छोड़ तो नहीं रहे हैं, because आज के दौर में time कैसे निकलता है ना, मालूम भी नहीं चलता, वो बहुत तेज़ी से time भागता है, और हम सोचते हैं कल कर लेंगे, और कल के चक्कर में बहुत चीज़ें miss हो जाती हैं दोस्तों, तो ऐसी गलती ना करें, इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं जो हमारी लाइफ में मोमेंटम के साथ बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला पॉइंट है वॉक एटलीस्ट 45 मिनट एवरी डे। अब आप कहेंगे सर मॉर्निंग वॉक का क्यों, या फिर इवनिंग वॉक, आफ्टरनून वॉक क्यों? मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर
45 मिनट एवरी डे वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में डिसीजेस के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। आपका हार्ट ब्लड प्रेशर और जो आपका डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम है, आपका इम्यून सिस्टम है, वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एटलीस्ट 45 मिनट, और उन 45 मिनट में आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप कोई अच्छी चीज़ सुन सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। मिनिमम एवरी डे आज से हैबिट आपको डालनी, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी बिजी क्यों ना हो। मैं आपसे नहीं कहता आप जिम जाइए, मैं आपसे नहीं कहता आप एक्सरसाइज करिए, डंबल्स बनाइए, डोले बनाइए, मैं सिर्फ ये कहता हूं एटलीस्ट 45 मिनट, बिलीव मी एवरी डे 45 मिनट आपको वॉक करना कंपलसरी है। आप 45 मिनट एकदम से नहीं कर सकते, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट, 30 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन मिनिमम 45 मिनट वॉक करना बहुत जरूरी है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे कंटिन्यू रखिए। सेकेंड है, डोंट बी वेरी बिजी। हम अपने टाइम को इतना बचाते हैं, इतने टाइम को बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है कि यार नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हम दोस्तों के साथ खड़े नहीं होते, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते, मना कर देते हैं। मुझे मालूम है ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ज़्यादा बिजी मत होइए, ज़्यादा परेशान मत रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस्ड मत रहिए, राइट। थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमिए, परिवार वालों के साथ रहिए, अपने ऊपर काम वीकली, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम तो निकालिए। डोंट बी वेरी बिजी, बिजी होने से सफलता नहीं मिलती है, ज़्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती, प्रोडक्टिव काम करने से सफलता मिलती है, प्रोडक्टिव होने से सफलता मिलती है। अब वो प्रोडक्टिव कैसे आप होगे, क्या करोगे, आप मेरे बाकी सेशंस को भी देख सकते हैं। और अगर आपकी हैबिट्स का प्रॉब्लम है कि आपकी हैबिट अच्छी नहीं है, हैबिट पर काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, सारी चीज़ आपको मालूम चलेगी, राइट। लेकिन डोंट बी वेरी बिजी। नेक्स्ट है, लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी। देखिए, हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट गोल है खुश रहना दोस्तों। बी हैप्पी, कैसे हैप्पी रहेंगे, जब आप प्रेजेंट में जिएंगे। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ, और मैं अगर कल की चिंता करूँ, परसों के बारे में सोचूँ, तो क्या मैं अपने पूरी एनर्जी के साथ आपसे बात कर पाऊँगा? या फिर आप अपनी बात लीजिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपका ध्यान पूरा पास्ट में रखा हुआ है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, या फ्यूचर में रखा हुआ, क्या करूंगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, फियर रहता है, एंजाइटी रहती है, डर रहता है कैसे होगा, तो क्या आप प्रेजेंट को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना है। मैंने एक बीच में क्या किया था, कॉलेज टाइम पे मैं बहुत ओवर थिंक करूं, बहुत ज़्यादा सोचता था कि ऐसा 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 कैसे करूंगा, लेकिन मैंने इसको अपनी वीकनेस नहीं, इसको पावर बना लिया। मैं क्रिएटिव थिंकर हो गया, मैं ओवर थिंकर की बजाय क्रिएटिव थिंकर हो गया, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से मैं बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, और जो आज आप सेशन देख रहे हैं वो भी मेरी क्रिएटिव थिंकिंग का ही नतीजा है। तो मैंने एक काम किया था, मैं कॉलेज टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, तो मैंने एक बैंड पहना था हाथ में, प्लास्टिक बैंड था वो, और जब भी उसमें लिखा था कि डोंट थिंक टू मच, इसमें मैंने खुद पेन से लिखा था, और जब भी मेरे दिमाग में कोई ऐसा आता था कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ तो मैं उसे पकड़ खींच देता था और वो सट्टे से इस पर लगता था, और ऐसा होता था कि यार मैं फिर मेरा ध्यान प्रेजेंट पे जाता था, मुझे लगता था कि मैं प्रेजेंट में देखूँ, मेरे पास आज जो कुछ भी है मैं उसमें पूरे तरीके से इन्जॉय करूँ, उसको अच्छे से देखूँ प्रेजेंट में। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। आप ट्राई कर सकते हैं ये, फिर आप कोई और तरीका अपना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप अपनी प्रेजेंट में रहने की आप क्या करते हैं, तो शायद हो सकता है बाकी लोगों की भी मदद हो, बाकी लोगों को भी हेल्प मिले, राइट। फिर मैं कहूंगा, एट लास्ट इस स्लाइड में लिखा हुआ है, मेजर योर प्रोग्रेस एंड प्रोमिसेस। आप अपनी प्रोग्रेस को और प्रोमिसेस को मेजर, दोनों को साथ में करिए, सिर्फ प्रोग्रेस को मत करिए, प्रोमिसेस भी, जो आपने अपने परिवार वालों से किया है, दोस्तों से किया है, अपने रिलेशनशिप में किया है, उसको भी मेजर करिए, उस पर भी काम करिए। अपनी हेल्थ की जो प्रोमिसेस हैं उनको भी पूरा करिए। आज आपको मेरे साथ एक प्रोमिस करनी पड़ेगी कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। प्रोमिस करिए, अगर प्रोमिस करते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोलिए, बिल्कुल सर हम प्रोमिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड मीनिंगफुल वर्क। देखिए, मीनिंगफुल काम को कैसे फाइंड आउट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी सारी बातें डिस्कस करने के बाद एक सवाल आता है कि सर अब नेक्स्ट क्या, अब क्या करें, मीनिंगफुल वर्क कैसे फाइंड आउट करें, हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा काम बना है, हम कैसे पता करें कि हम किन कामों को बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डायरी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, जिन बातों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उन बातों पर आपको गौर से समझना है कि आप किन कामों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी, इकीगाय, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, यह आपका इकीगाय फाइंड आउट करने में मदद करेगी। इकीगाय क्या होता है, द पर्पस ऑफ लाइफ, द मीनिंगफुल लाइफ,
राइट right. यहां पर एक चीज लिखी हुई है, एक चार्ट सा बना हुआ है, कुछ गोले बने आपको दिख रहे होंगे। देखिए सबसे पहली चीज होती है कि आप कोई ऐसा काम ढूंढिए जिस काम को करने में आपको मजा आए, प्यार है, प्यार हो जाए आप उस काम से। यू लव टू डू दैट राइट। आपको उस काम से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है राइट right. और देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर आप उस काम से प्यार करते हैं, उस काम में आप अच्छे नहीं हैं। देखिए अच्छे कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने स्टार्टिंग की बात फिर मैं लेके जाने वाला हूं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आईक्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। आपको रेगुलर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं जिस काम में आपको प्यार है, तो वो आपका पैशन बन जाता है, यानी कि यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग राइट। आप उस काम को करने के लिए पैशनेट है। नाउ आप उस काम से प्यार करते हैं, उस काम करने में आप अच्छे भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो काम आपका, वो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, यानी कि आपको उससे आमदनी होने लग जाए। आपको ऐसा रास्ता ढूंढना है कि जिससे आप उस काम से पैसे जनरेट कर पाए, प्रॉफिट जनरेट कर पाए। वो कैसे होगा? आजकल तो बहुत आसान है, डिजिटल वर्ल्ड है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, इवन आपसे बांसुरी बजाना भी आता हो तो भी आप उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं। कुछ लोग तो गिटार बजाना, तबला बजाना, ब्लॉगिंग के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, सेल्स ट्रेनिंग के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में उस स्ट्रीम से पैसे कन्वर्ट करना, उसको पैशन को प्रोफेशन बनाना बड़ा आसान है राइट। तो जिस काम से आपको प्यार था, उस काम में आपने ट्रेनिंग्स ली, अच्छी तरीके से मेहनत करी, और नाउ उस काम के थ्रू आपको पैसे मिलने लगे, यानी कि वो पैशन आपका प्रोफेशन बन चुका है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि दो चीजें और लिखी हैं इस इन गोलों में। नेक्स्ट है वो पैशन आपका, वो प्रोफेशन आपका, वो वोकेशन कैसे बनेगा। वोकेशन मतलब होता है कि उस काम से आपको प्यार था, आपने मेहनत करी और आज आप उससे कमा रहे हैं, और नेक्स्ट है उस काम की जरूरत पूरी दुनिया को है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। आप अच्छी एक्टिंग, आप एक्टिंग करना आपको पसंद है, आपने स्किल ली, आपने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया, आपने पढ़ाई करी, आपने अलग अलग लोगों से ट्रेनिंग ली, आप उसमें अच्छे हो गए, आपका वो पैशन बन गया। नेक्स्ट है कि आपने उस चीज़ के लिए आपने कुछ ऐसा काम किया, आपने प्ले चालू किए, आपने वीडियोज़ बनाने चालू किए, आपको उससे अर्निंग होने लगी, आपका वो प्रोफेशन बन गया। लेकिन क्या वो आपका वोकेशन बन पाएगा? क्योंकि वोकेशन नहीं बनेगा तो मिशन नहीं बन पाएगा। वोकेशन वो आपका तब बनेगा जब उस काम से लोगों को मजा आने लगेगा, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों को मजा आने लगेगा, उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा या फिर उनको कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो आपका वोकेशन बन जाएगा। अगर दुनिया को द वर्ल्ड नीड्स इट, उसकी जरूरत है, जैसे कपिल शर्मा के शो की दुनिया को नीड है, हर शनिवार और रविवार बैठ करके देखते हैं कि यार हाँ अब चालू होने वाला है, अब चालू होने वाला है, क्योंकि वो एक वैल्यू एड करता है, एंटरटेन करता है। ऐसी मूवीज का सीन है, ऐसी क्रिकेटर्स का आप देखिए, विराट कोहली किसकी बैटिंग देख के हम एंटरटेन होते हैं राइट। तो उसकी दुनिया को जरूरत है, तो क्या आपके काम की दुनिया को जरूरत है? और अगर जरूरत है तो वो आपका बन जाएगा मिशन दोस्तों। और जब किसी चीज का कोई मिशन बन जाता है तो वो महात्मा गांधी बन जाता है, वो नेल्सन मंडेला बन जाता है, वो टॉनी रॉबिन्स बन जाता है जिनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है, वो शाहरुख खान बन जाता है राइट। वो इतने बड़े लेवल पहुंच जाता है। तो आपको कौन सा काम पसंद है? क्या आप चार्ट पे बना करके अभी अभी बैठ करके देख सकते हैं सेशन के बाद? बिल्कुल देखिए, प्लीज देखिए, उस पर जाइए, गहराई से समझिए कि क्या चीजें, हम क्या लर्न कर सकते हैं, और क्या हमारी लाइफ में हम सच में उसमें अच्छे हैं, क्या हम उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या हम उसको अपना वोकेशन और मिशन बना सकते हैं, क्या हम एंड तक पहुंचा सकते हैं। जब वो आपका मिशन बनेगा ना दोस्तों, तो आपको इतना प्लेजर देगा ना, इतना मजा देगा, वो आपका इकीगाय बन जाएगा। और आप अगर इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे जाइए, इस बुक को ऑर्डर करिए और उसको पढ़िए, मजेदार तरीके से आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है ये किताब। देखिए मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरा पैशन क्या है, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को एड्रेस करना, लोगों से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था राइट। मैं उसमें अच्छा नहीं था। मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने अलग अलग कोचिंग्स ज्वाइन की, लोगों से मिला हूँ, कोचेस से मिला हूँ, ट्रेनिंग्स ली है बहुत सारी, मैंने सीखा है। मैं आपको जितनी भी बातें बताता हूँ वो सारी प्रैक्टिकल लर्निंग के बेस पे, अलग अलग जगह से सीखने के बाद, लाखों रुपये खर्च करने के बाद मैं आपको तब बताता हूँ राइट। तो ये मेरा पैशन बन गया, अब मैं उसमें अच्छा हूं और मैं उस पर ट्रेनिंग भी मैंने ले ली है। अब उसके थ्रू अगर मैं अर्न करता हूं, जैसे कि मेरे कोर्सेस हैं, मेरे कोर्सेस चलते हैं, मेरी कुछ बुक्स हैं वो भी चलती हैं राइट, और मैं कुछ काउंसलिंग करता हूं, वेबिनार्स करता हूं, सेमिनार करता हूं, जिनके थ्रू मैं अर्न करता हूं, तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया।
और ये प्रोफेशन बनने के बाद इससे मैं कई सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता हूँ, जैसे उनकी हैबिट चेंज होती है, जैसे उनकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखती है। तो वो सारे काम मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता हूँ, जिससे कि दुनिया को नीड हो रही है, कुछ लोगों को नीड पहुंच रही है, कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो रही है, कुछ लोग प्रेरित हो रहे हैं। और आई एम श्योर कि आप अगर इस वीडियो को पूरी शिद्दत से देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू एड हो रही होगी, जिससे कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, इसकी नीड है दुनिया को, तो वो मेरा बन गया है वोकेशन। और वोकेशन के साथ साथ अगर मैं इसको बड़े लेवल पे काम करता हूं और कंटिन्यू करता रहता हूं, तो ये मेरा मिशन बन जाएगा। आप अपने आप को भी इस एग्जांपल में रख करके देखिए। जैसे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स लेता हूं, स्किल डेवलपमेंट पेड कोर्सेस है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख ही रहे हैं, मेरे फेसबुक चैनल है जिसके थ्रू मैं लोगों को इंस्पायर करता हूं, और मैं बुक लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहा हूँ जो लाइफ में लोगों की वैल्यू ऐड करती है, राइट, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आज आप कहाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, और आपके अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी ज़रूरत लोगों की हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लोगों के काम ना आए, बहुत सारी। इवन आपको कुकिंग आती है, देखिए कुकिंग से इतने बड़े शेफ तैयार हो गए और इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको गिटार बजाना, डांस करना आता है, वो भी एक स्किल है जिसके थ्रू आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। आपको ड्राइंग करनी आती है, वो भी आपकी एक स्किल है जिससे आप कर सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, आप शायरियां लिखते हैं, आप कहावतें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उसका भी लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज ऑडियो टेप्स, ऑडियो सुनना एक लोगों की कहते हैं कि बहुत अच्छी हैबिट बनती जा रही, और आगे आने वाला टाइम जो है ऑडियो बुक्स का होगा, ऑडियो टेप्स का होगा, ऑडियोज़ का होगा। तो आप फ्री पॉडकास्ट बना सकते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएंगे, राइट। तो आज से आपको बैठना नहीं है, आज डिसाइड करना कि करना क्या है, राइट। और आज आप डिसाइड करेंगे तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके ऐसे आएंगी जो आपको बहुत सारे मौके देंगी, जो बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन, मैंने आपसे विश्वास दिलाया था आपको कि आपको आखिरी में बहुत कुछ वैल्यूएबल मिलने वाला है। आप पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, और आप अगर अभी तक बने हुए हैं, इसको देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिए बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। और बिलीव मानिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें वैल्यू एड होने वाली है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन कहता है, इज अ न्यू डिग्री अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं जब सेशंस लेता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, सर आज डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है तो क्या हमें ये डिग्री लेना जरूरी है, क्या हमें एमटेक, बीटेक और बीबीए और ये सारी चीजें करना जरूरी है, क्या हमें कुछ ऐसा, ये जो ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं उसको लेना जरूरी है, हम क्यों करें, हमें नहीं करना, राइट। मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली कह रही थी कि आप बीटेक के बाद एमबीए या एमटेक करो। मैंने बहुत एनालिसिस किया खुद पर, क्या मैं इनको करने के लिए बनाऊं, क्या मैं कर रहा हूं सही से, कर पाऊंगा, मेरा मन किया नहीं कर पाऊंगा, मैंने कुछ और किया, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ा ही सहज और साधारण है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैं बीई ग्रेजुएट हुआ था 2014 में, देन आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, इट वॉज माई पैशन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट, इंस्पायर अदर पीपल। तो मैंने वो करना शुरू किया, दैट टाइम आई वॉज नॉट अर्निंग मनी, राइट, दैट टाइम आई वॉज लाइक जस्ट टेकिंग सेशंस थ्रू, एंड इट वॉज माई पैशन सिंपली, राइट। लेकिन मैं जब अलग अलग जगह जाकर के बोला, मैंने अलग अलग जगह जाकर के सेशंस लिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरी स्किल्स ग्रो करी, मेरे अंदर एक चेंजेस आए कि हाँ यार मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं, राइट। सो ये सारे चेंजेस मेरे अंदर दिखने लगे। 2016 में मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलता था, अलग अलग लोगों से मिलता था, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर चेंजेस आए। अब मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। 2018 में मुझे मध्य प्रदेश से बहुत अच्छे सम्मान मिले, बहुत अच्छे लोगों से अप्रिशिएशन मिला कि यस यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, राइट। मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो थी उन्होंने मुझे सम्मान दिया राजभवन में बुलाकर। इट वॉज चेंजिंग मूवमेंट, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट फॉर मी, राइट। इट इज चेंज माई लाइफ, और नाउ इट इज 2020 बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, आई एम अर्निंग वेल, आई एम हैविंग माई ओन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, चेंज करता हूँ। दिस इज हाउ आई एम बिल्डिंग माई लाइफ, आप मेरे एग्जाम्पल के थ्रू देख पा रहे हैं। बट द थिंग इज कि नई डिग्री लेना क्या आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, इसके लिए मैं आपको परफेक्ट आंसर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि वाइल गोइंग टू टेक न्यू डिग्री और समथिंग न्यू, इट्स ऑल अबाउट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं, क्या आपको उस डिग्री को करना चाहिए, क्या आपको उस डिग्री से कुछ फायदा होगा, क्या आपको उस डिग्री से कुछ नई चीजें सीखने मिलेगी, क्या आप उस डिग्री के थ्रू कुछ बड़ा कर पाएंगे,
दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ डू यू डोंट डू दैट फॉर अदर्स. द मेन थिंग इज जब हम दूसरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं कि यार वो खुश हो जाएगा अगर मैं कर लूंगा, अगर यार वो खुश हो जाएगा अगर मैं कर लूंगा, राइट. क्योंकि मैंने एक थ्री इडियट आपने मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि मुझे यार जंगल में जाकर के फोटोग्राफी करनी थी, राइट. मैं एनिमल फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन अब्बा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी. तो वो रेंचो कहता है ना कि तू मतलब अभी अभी चला जा अपने उस काम को करने के लिए. तो वो जॉब छोड़ करके, इंटरव्यू छोड़ करके वो चला जाता है वहां पर और बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल रही है, राइट. तो ये महज डायलॉग नहीं है, ये रियल फैक्ट है कि आप किसी डिग्री करने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए, राइट. तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कोई नई डिग्री नवाद करिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो यार कुछ नहीं तो डिग्री कर लेते हैं, राइट. क्यों कर लेते हैं डिग्री? आप भाई अपने ऊपर काम करो ना, अपने आप को फाइंड आउट करो. क्यों इतने हम कामचोर हैं क्या? बैठ करके अपना एनालिसिस नहीं कर सकते? बैठ करके अपनी चीजों के बारे में समझ नहीं सकते, राइट. इट शुड बी कंप्लीटली योर ओन डिसीजन. किसी और का डिसीजन नहीं होना चाहिए दोस्तों. ये पूरा का पूरा आपका डिसीजन होना चाहिए, करना है कि नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्या करना है. और जब आप नहीं करने का डिसीजन लेते हो ना, तो आपको जो कुछ भी आपको करना है उसको और अच्छे से करना पड़ता है, उसको और शिद्दत के साथ करना पड़ता है. आपको ध्यान देने की जरूरत है. नेक्स्ट है, मूव फॉरवर्ड टू योर कंफर्ट जोन. देखिए, कई सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसकी वजह से भी वो डिग्रियां करते हैं, इसकी वजह से वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, 3 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, चलो डिग्री कर लेंगे, तब तक मस्ती कर लेंगे. क्योंकि जैसे वो खत्म होगा तब तो पेरेंट्स बोलेंगे ना भाई नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो, या फिर कोई जॉब बिजनेस करो बिजनेस करो. तो कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं. तो भाई उनके लिए मत कर भाई, अपने लिए कर. अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बिना उसके बाहर निकले आपको सफलता नहीं मिलने वाली, बिना उसके आपको जीवन में कुछ बेहतर नहीं मिलने वाला. ऑप्शन कोई और ऑप्शन है ही नहीं. क्या करोगे जाकर के, कहां जाओगे? आपको उस पर काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट कैन आई डू टू प्रिपेयर माय फ्यूचर? बात फ्यूचर की हो रही है ना, हमें फ्यूचर अच्छा बनाना है. पास तो अच्छा नहीं बनाना, पास तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फ्यूचर अच्छा बनाना है. मैं अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? तो अगेन आई एम सेइंग टू यू, द डायरी पेन उठा लो और मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, लिखना उसको. अगर आप अभी तक मेरे इस सेशन को प्रॉपरली शुरू से देख रहे हो आखिरी तक, बिना पॉज किए बिना स्किप किए, तो आज आपको बहुत सारी वैल्यू सच में मिलने वाली. इट कैन डेफिनेटली चेंज योर एंटायर लाइफ. आज का वो दिन होगा जब आपको डिसाइड, आप आज का दिन कभी नहीं भूल पाएंगे, विश्वास करिए. और आप कमेंट में थैंक यू लिख के थक जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राइट. नेक्स्ट जो है, इसके आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के? पहला पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना, आस्क योर सेल्फ वॉट यू कैन डू बेस्ट एंड स्टार्ट डूइंग इट. बहुत सिंपल है, खुद से पूछो किस चीज में आप बेस्ट हो. कोई भी स्किल हो सकती, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है. जो हेयर स्टाइलर होते हैं ना, वो भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है. इसमें अपने आप को पब्लिश करना, इसमें अपने आप को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल टास्क नहीं है. आज से 10 साल पहले अगर आप होते और अगर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता, तो आप जगह जगह पोस्टर चिपका रहे होते, जगह जगह लोगों को बता रहे होते कि भाई मैं इस चीज में अच्छा हूं, आ जाओ आ जाओ. लेकिन आज सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल के, एक वीडियो बना करके, एक यूट्यूब वीडियो बना करके शेयर करके आप लाखों हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल वर्ल्ड है. तो आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू बेस्ट एंड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड. परफेक्ट होने का इंतजार मत करिए. मैं जब पहला सेशन ले रहा था, मैं बड़े फंबल करता था, कैसे होगा क्या होगा, मैं बड़ा डरा करता था लोग क्या बोलेंगे. कुछ लोग मुझे कमेंट्स में गालियां भी लिखते थे, यार तू पहले खुद सीख जा फिर हमें बताना, फिर ये करना वो करना. मैं बड़ा हताश होता था, बड़ा डिप्रेस होता था, यार क्या है यार मुझे नहीं करना. लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी कि यार वीरेन तू इस काम में अच्छा है, सीख सीख सीख. फिर मैंने उस पर मेहनत करी, टेक्निक सुधारी, और आज मैं जब स्टेज पे बोलता हूं तो कंटिन्यू लोग मुझे 2-2, 3-3 घंटे 4-4 घंटे सुनते हैं, नॉन स्टॉप सुनते हैं और क्लैप करते हैं, बहुत बहुत क्लैप करते हैं. और आपको भी, आई एम श्योर आपको भी मजा आ रहा होगा. नेक्स्ट है ग्रिट पावर. देखिए ये दूसरी चीज, मैं फिर से ग्रिट पावर का जिक्र कर रहा हूं, बिकॉज ग्रिट पावर एक ऐसी चीज है जो आपको आज समझनी बेहद जरूरी है. ग्रिट पावर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, डिग्रियां नहीं होती हैं लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है यार, और वो कर जाते हैं. आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा, वीडियोज देखे होंगे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन एक हिम्मत थी, करना है कर जाता है वो.
नेक्स्ट है क्रिएटिविटी स्किल। देखिए क्रिएटिविटी स्किल बहुत ही ज्यादा सेलेबल स्किल है आज के दौर पे, हम इस पर और अच्छे से बात करेंगे। फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इस चारों पॉइंट में मैं इस आंसर को और अच्छे से आइडेंटिफाई करूंगा। व्हाट कैन आई डू टू प्रिपेयर माय फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन चारों चीजों पर मैं इस आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मैं आपको पहले ग्रिट पावर बता दूं, जो मैंने आपसे बताया कि उस बुक में एक जिक्र था, इसमें विल स्मिथ के बारे में बताया गया था। विल स्मिथ कहता है कि मैं उनकी ही लैंग्वेज में आपको बताता हूं, मैं आपको समझाऊंगा, समझना इस कोशिश करना क्या लिखा है। यू माइट हैव मोर टैलेंट देन मी, आपके अंदर हो सकता है मुझसे ज्यादा टैलेंट हो, राइट। यू माइट बी सेक्सियर देन मी, आप मुझसे ज्यादा सेक्सी और स्मार्ट हो सकते हैं। यू माइट बी ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू गॉट इन ऑन मी 9 कैटेगरीज, हो सकता है 9 जो भी कैटेगरीज हैं, आप जिसमें भी अपना एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि सक्सेस का पैरामीटर है, 9 की 9 कैटेगरी में आप मुझसे अच्छे होंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज में आप सुनिएगा। बट इफ वी गेट ऑन द ट्रेडमिल टूगेदर, देर इज 2 थिंग्स, आप अगर मेरे साथ ट्रेडमिल पर दौड़ोगे ना तो यहां पर 2 चीजें होंगी, या तो आप थक करके हार जाओगे या मैं दौड़ते दौड़ते वहां पर अपनी जान दे दूंगा। That means grit power का मतलब होता है एक पागलपन कुछ करने का, एक पैशन कुछ करने का, जिस काम को भी आप कर रहे हो उस काम को बेस्ट करने का, टैलेंट हो ना हो बात की बात है। grit power का मतलब है पैशन प्लस परसीवरेंस, पैशन को परसीव करते रहना, रेगुलर करते रहना, मेहनत करते रहना, जिस बात ने विल स्मिथ को बाकी सारे एक्टर्स से सुपरस्टार बना दिया। जो ग्रिट पावर मैंने एंजेलिना डकवर्थ का बताया था, बच्चों में डिफरेंस बताया था, अगर आपने उसे ध्यान से समझा हो सुना हो तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी ग्रिट पावर है आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती। आपको सिर्फ इस ग्रिट पावर को पकड़ने की जरूरत है, और हर व्यक्ति के अंदर होती, हर बंदे के अंदर होती है ग्रिट पावर। कुछ लोग आपको मिलेंगे बोलते हो कि यार नहीं यार कुछ तो करूंगा मैं, कुछ तो बड़ा, आपके भी अंदर से आवाज आती है कुछ तो करूंगा यार। उस समाज को, उस आवाज को धूमिल मत पड़ने देना, उस आवाज को सुनना, उस आवाज को फॉलो करना, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएटिविटी स्किल की। क्रिएटिविटी स्किल आज के दौर में सबसे सेलेबल स्किल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि क्रिएटिव अगर आप हो तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे। आपको पता है कि रोबोट्स आने वाले टाइम में होने वाले, ड्रोन्स होने वाले, मशीन्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, AI इतना ज्यादा हावी हो रहा है, राइट। और दूसरे जो ग्रह में जाकर के रोबोट भी रिसर्च करने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें करने लग जाएंगे जो हम ह्यूमन खुद बना रहे हैं आने वाले वक्त में। और बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी रिप्लेस होंगी जो मशीनें काम करेंगी, और डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक स्किल है जो कभी पीछे नहीं रहेगी, वो है आपकी क्रिएटिविटी स्किल, जो आपको हमेशा काम देगी। तो क्रिएटिविटी स्किल का कैसे एग्जांपल मैं आपकी स्टोरी के माध्यम सुनाता हूं। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, और वो जाते जाते सीवेज टैंक खुला हुआ था तो उसमें गिर गया, और जब वो गिर गया तो पूरे यहां से सीवेज टैंक बदबू बिल्कुल भर गया, लेकिन यहां से वो दबा हुआ था, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर थी, और आसपास के लोगों को देख रहा था, बुला रहा था, कोई नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने अपनी क्रिएटिविटी का यूज किया, उसने बोला फायर 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 फायर। तो कुछ लोगों ने सुना कि यहां पे फायर कहां लगी हुई है, तो आसपास के लोगों ने बोला अरे आग लगी। तो कुछ लोगों ने फोन कर दिया फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। फायर ब्रिगेड वाले आए, पूछने लगे कहां फायर लगी। तो वहां पर जब पास में आए तो उसने चिल्लाया कि मुझे बाहर निकालो। तो फायर ब्रिगेड वाले ने उन्हें बाहर निकाला, उसे पानी से धुला नहलाया, फिर पूछा कि बताओ आग कहां लगी। तो उसने बोला माफी चाहूंगा, आग तो नहीं लगी थी, मैं बहुत बहुत टाइम से लोगों से बोला था मुझे निकालो, लेकिन मैं सीवेज टैंक में था तो मुझे कोई निकाल नहीं रहा था, अगर मैं फायर फायर नहीं बोलता तो शायद आप भी नहीं आते। व्हाट आई एम गोइंग टू से, लाइफ की छोटी से बड़ी और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना क्रिएटिविटी के माध्यम से यू सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो। आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं दोस्तों, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, थोड़ा क्रिएटिविटी स्किल पर काम करिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं सर, मैं क्या करूं। आप क्रिएटिव हो, ईश्वर ने हमें क्रिएटिविटी के लिए ही बनाया है। अगर क्रिएटिविटी नहीं होती तो अर्थ में इतने सारे चेंजेस नहीं होते, हम प्लेन नहीं बना पाते, राइट। हम इतनी सारी इन्वेंशंस नहीं कर पाते, हम फोन नहीं बना पाते, ये सब क्रिएटिविटी की ही देन है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो ठंडे दिमाग से सोचो, वो आ जाएगी। कोई वो अद्भुत चीज नहीं, वो आपके अंदर ही है, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, हर काम को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश करना है।
और जब क्रिएटिव तरीके से कोशिश करेंगे, हो सकता है आप फेल भी हो सकता है आप पास हो जाएं, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहिए, क्रिएटिविटी स्किल को बढ़ाते रहिए, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। मैं आपको क्रिएटिविटी स्किल के एक यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि इज अ वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स और सिचुएशन फ्रॉम अ फ्रेश प्रस्पेक्टिव्स दैट सजेस्ट ऑन अनऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशन आपको अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पुराने मिल रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को आपको क्रिएटिविटी के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हुए हैं यार क्रिएटिविटी की वजह से, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस, राइट। पहले पहले टायर का जब इन्वेंशन हुआ था तो वो भी एक क्रिएटिविटी स्किल की देन है। फोन का इन्वेंशन हुआ, वो भी क्रिएटिविटी की स्किल के देन है। पहले हम लोहे के बर्तन में पानी भरा करते थे, लोहे के बर्तन में सब कुछ हुआ करता था, फिर प्लास्टिक की टंकी आ गई, वो भी एक क्रिएटिविटी की देन है। बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आप देखते होंगे, आपको डिज्नी देखें वो पूरी क्रिएटिविटी है, आप फिल्म देखिए, आप वीडियोज़ देखिए, आप एनिमेशन देखिए, वो सब क्रिएटिविटी की देन है। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता, हर व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है अगर वो बनना चाहे तो। और ये 2021 की और 22 की 21st सेंचुरी की सबसे बेहतरीन, 22वीं सदी की सबसे बेहतरीन सेलेबल स्किल होगी क्रिएटिविटी स्किल, अगर आप इसे आज से शुरू कर देते हैं तो आने वाला वक्त आपका होगा, विश्वास करिए। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। क्या लगता है आपको, फोन पे बात करना, लोगों से बात करना, यही कम्युनिकेशन स्किल है? नहीं, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है, पहला पॉइंट है लिसनिंग। यस, आपको अपनी लिसनिंग स्किल सुधारनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन का कई लोग मतलब समझते हैं कि सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन है, सुनना कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। भाई सुनना सबसे बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। बड़े बड़े लीडर्स पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, जो अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं अच्छे लिसनर होते हैं, आपको सुनना पड़ेगा, राइट। फ्रेंडलीनेस, कुछ लोगों का ऐसा रूड बिहेवियर होता है कि यार पता नहीं वो अकबर के खानदान के, ऐसा क्यों? फ्रेंडलीनेस नेचर आपको रखना है। अगर आपको आपको लोगों से मिलनसार होना नहीं आता है तो आपको आप ह्यूमन क्यों हो यार, राइट। आपको आपको फ्रेंडलीनेस होना पड़ेगा, राइट। ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। ओपन माइंडफुलनेस क्या होती है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हमारी लाइफ में होती जो हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन हम उनके प्रति अगर बुरा लगा के बैठे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। पुराने चीज़ों में बहुत सारे जोक्स भी बने कि जो हमारे शादियां वगैरह हुआ करती थी उसमें जो हमारे रिलेटिव्स आया करते थे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे, राइट, क्योंकि वो ओपन माइंडेड नहीं थे, है ना। आपको ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, राइट। फीडबैक, अगर आपको कोई फीडबैक देता है तो आप ऐसा ना कहिए हमेशा मुझे बुरा बोलता है। फीडबैक देना और लेना दोनों आना चाहिए, ये भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखता है, यस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, यस यू आर डूइंग समथिंग, राइट। तो कॉन्फिडेंस स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने यूजुअली लोगों को देखा होगा कि वो ध्यान नहीं देते, लेकिन वो एक कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नॉन वर्बल होती है ना, ऐसे ऐसे बोलना, थम्स अप देना, यस यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, गुड वर्क, राइट, या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो ये आपकी पर्सनालिटी को प्लेजिंग पर्सनालिटी बनाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल, आपको इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है जो आपको आगे चल करके बहुत आगे से तेज़ी से बढ़ाने में, और आजकल तो डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल भी आ गई है जिस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल में मैसेज टाइप करना, मेल लिखना, यूट्यूब पर कोई कमेंट करना या फिर किसी को कुछ रिप्लाई करना, किसी को कुछ भेजना, किसी को कुछ फोटो खींच के भेजना, क्या रिगार्ड देना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, दैट ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने जीवन का वाई पता होना चाहिए कि वाई यू आर डूइंग दिस। अगर वीरेंद्र मिश्रा ये सेशंस ले रहा है तो क्यों ले रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, मुझे अपना वाई बड़ा स्ट्रांगली बड़े अच्छे तरीके से पता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हवा में तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब लोगों को आप बताने जाएंगे तो आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है क्यों करते हैं, राइट। आपको क्यों पता होना चाहिए, नहीं तो आप डेल की तरह आप भी फ्लॉप हो जाएंगे, राइट। आपको समझने की जरूरत है कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है। क्लियरिटी ऑफ वाई आपको आगे लेकर के जाएगी, डिसिप्लिन ऑफ हाउ वो आपको आगे लेकर के जाएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट वो आपको आगे लेके जाएगी। बिल्ड ट्रस्ट एंड यू बिकम सक्सेसफुल। देखिए, आपकी वाई की क्लियरिटी किस बात पर निर्भर करती है, जब आपका गोल क्लियर होगा, आपका लक्ष्य क्लियर होगा, उसके लिए आपको खुद पर काम करना है,
मैंने आपसे बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आपको आपको रोकती है, आपको पीछे धकेलती है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको खुद पर विश्वास करना है। इफ यू हैव क्लियर वाई, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। सेकेंड, आपको डिसिप्लिन रखना है कि आप उस काम को कैसे करेंगे। देखिए, डिसिप्लिन आज के लोगों में बहुत मिसिंग है, अनसर्टेनिटी है बहुत सारी चीजों में, चाहे वो सीखने की हो, चाहे वो किसी को सिखाने की हो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप अगर डिसिप्लिन है, चाहे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या वो रेगुलर अपनी फिजिक पर काम करते होंगे? करते होंगे। क्या आप रेगुलर वो अपनी डाइट पर ध्यान देते होंगे? देते होंगे। क्या उन्हें मन नहीं करता होगा चाट समोसा कचौड़ी वचौड़ी खाने का? करता होगा। लेकिन क्या खाते होंगे? नहीं खाते होंगे। वो हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं। मैच के दौरान उनका मन नहीं करता होगा, यार मेरा आज खेलने का मन नहीं है। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे वो ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो दो तीन दिन तक ट्रेवल करते हैं, फिर बसेस में ट्रेवल करते हैं, फिर ग्राउंड जाते हैं, फिर वहां पर मैच खेलते हैं, और प्रेशर भी झेलते हैं लोगों का। क्या उनका मन नहीं करता होगा कि यार मैं भी रेस्ट करूं, आज नहीं जाता मैं? करता होगा। लेकिन वो कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ हाउ इंसान को आगे लेकर के जाता है, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे वो ट्रेनर्स हो, चाहे वो हम जैसे लोग क्यों ना हो। मैं खुद सुबह 4 बजे 5 बजे उठता हूं और अपने काम को स्टार्ट करता हूं, राइट, बिकॉज मैंने दूसरों से प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी हैबिट को बदलूंगा अगर मैं खुद टालमटोली करूं, या फिर खुद मैं कुछ ऐसे काम करूं जिससे मुझे लगे कि यार मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो मुझे ज्यादा लंबे समय तक वो सर्वाइव करने नहीं देगी इस इंडस्ट्री में। क्योंकि बहुत बेसिक नियम है, क्योंकि नेचर का नियम तो हमेशा हमेशा से रहा है। डिसिप्लिन ऑफ हाउ आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यस ऑफ कोर्स, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है देन यू कैन ब्रेक एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी ब्रेक कर सकते हैं लाइफ में, जहां चाहे वहां रीच कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, ग्रेट पावर ही बताई कि टैलेंट हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, क्या आप कंसिस्टेंट हैं, क्या आप कंटिन्यूसली अपने काम पर अपनी चीजों पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू। बिल्ड ट्रस्ट एंड यू बिकम सक्सेसफुल। डेफिनेटली आप ट्रस्ट बिल्डअप करें तो आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ अपने वीडियोस दिखाना चाहूँगा कि आप उन वीडियो को भी जाकर के ज़रूर देखिए। ये बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, राइट, इन वीडियोस को आप देखें। इन सब की आपके लिंक और वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, मैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, लेके आने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। एट लास्ट, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हैबिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, कुछ भी, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे फेसबुक चैनल पे भी आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट, ट्विटर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं अगर आपकी हेल्प कर पाया तो मुझे बेहद खुशी होगी, मैं अगर आपके काम आ पाया तो मुझे बेहद खुशी होगी। आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये ज़रूर बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या इसने आपकी लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करी है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि वो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ओवर हेयर एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेस, खूब मस्त रहें, खूब खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।